वेलकम टू माई चैनल लेट्स कुक विद सालिया अजीम। और आज हम बनाएंगे बहारे बैगन। तो बघारे बैगन बनाने के लिए मैंने लिए है छोटी साइज के 5 बैगन। फिर हमें चाहिए सफ़ेद तिल, मूंगफली और ड्राई कोकोनट। सूखा या साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, एक मीडियम साइज की टमाटर ली है, 3 हरी मिर्चें ली है इस तरह कट करके, और सात से आठ लहसुन के बीज और उतना ही अदरक का पीस लिया है, 8 से 9 कड़ी पत्ते और हरा धनिया लिया है। तड़के के लिए दिया है जीरा और राई, इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ली है। नमक चाहिए हमें और इमली चाहिए, बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मूंगफली, सफ़ेद तिल, धनिया, जीरा और ड्राई कोकोनट, इसको हमने रोस्ट करके लेना है। तो मूंगफली और सफ़ेद तिल रोस्ट हो गया है, इसको मैंने निकाल दिया है। अब इसी पैन में मैंने धनिया और जीरा ऐड किया है, इसको भी मैं रोस्ट करूँगी और इसको खुशबू आने तक रोस्ट करना है हमें। तो ये भी रोस्ट हो चुका है, इसको भी मैंने निकाल दिया है। अब ड्राई कोकोनट डालेंगे, इसको भी भूनेंगे, इसको भी अब निकाल देंगे। तो जीरा, धनिया, सफ़ेद तिल, मूंगफली और ड्राई कोकोनट, इसकी अब हम पेस्ट रेडी करेंगे। अब उसी पैन में मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, इसलिए 4 से 5 खाने का चम्मच ऑयल डाले आप। फिर इसमें राई और ज़ीरा ऐड किया मैंने, कड़ी पत्ता ऐड किया, और हमारे पास जो कटी हुई प्याज थी वो, अदरक और लहसुन, इसका हम पेस्ट रेडी करेंगे। और ये भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और इसको भी भुनेंगे। तो प्याज का कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। फिर हम इसमें कटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और फिर हमने जो ड्राई मसालों का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड करेंगे। और मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था इसलिए मैंने दोबारा इसमें ऑयल डाल दिया। अगर आप इसमें ऑयल अच्छे से डालेंगे तो ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। वरना कम ऑयल में ये मसाले ठीक से भून नहीं पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल दोबारा ऐड किया। तो ये भी हमारा रोस्ट होने के करीब आ चुका है। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो ऑयल सेपरेट होने तक हमें ये सारी चीज़ों को भूनना है। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है।
तो अब इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड की, और साथ ही में मैं टमाटर भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नहीं जले। अब इसको भी अच्छे से भूने थोड़ी देर। इसमें से खुशबू जब आने लगेगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब मैंने पानी ऐड किया है इसमें। पानी ऐड करके मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। पानी हम ऐड करेंगे इसमें ज़रूरत के हिसाब से। फिर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये जो हरा धनिया है ये भी ऐड करेंगे। अब देखिए इसको अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें ये जो बैंगन है इसका मैंने इस तरह से कट लगा लिया है बीच से। सारे बैंगन हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो बैंगन को फ्राई भी कर सकते हैं, और फ्राई करके इसमें ऐड कर सकते हैं आप। मैंने फ्राई नहीं किए हैं, मैंने इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ मैं। और अब एंड में हम इसमें ऐड करेंगे इमली का रस। और अब इसको ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक हमारे बैंगन नरम नहीं हो जाते, और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे हम। तो अब मैं इसको ढक्कन रख के कुक करूँगी। तो बघारे बैंगन रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मुझे अपनी फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।